तो एक बार पत्रकारों ने प्रश्न पूछा कि पंडित जी ये बताइए कि इस देश में या दुनिया में सबसे पवित्र जल किस नदी का होता है। तो मुस्कुराए पंडित मदन मोहन मालवीय और कह दिए इस देश में सबसे पवित्र जल यमुना नदी का होता है। पत्रकारों ने कहा कि आप विचार करके बोल रहे हैं, आंदोलन गंगा के लिए करते हैं और पवित्र जल यमुना नदी का कहे, हाँ तो गंगा के लिए फिर क्यों आंदोलन करते हैं। बंधुओं माताओं पंडित जी इस बात से गंगा की महिमा प्रकट करना चाहते थे। पंडित जी ने कहा देखो भाई, दुनिया में सबसे पवित्र जल यमुना नदी में ही बहता है। और सुनो, तुम पूछ रहे हो गंगा के लिए आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गंगा में जल नहीं बहता है, उसमें तो साक्षात अमृत बहता है, इसलिए उसकी तुलना जल से मत करो, उसमें तो स्वर्ग का अमृत प्रवाह है। आइए एक बार हम सब गंगा माँ को प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करें। चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे, चले गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे, चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे, चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे, चले गगन से ये मुक्ति धारा, नमामि गंगे नमामि गंगे, सागर सुतों की ये मुक्ति धारा, नमामि गंगे नमामि गंगे। मंडले और कठौती रैदास की है, विष्णु पदाम्बुजा ब्रह्म कमंडले और कठौती रैदास की है, शिव की जटा से है धार्मिक ले, नमामि गंगे नमामि गंगे, शिव की जटा से है धार्मिक ले, नमामि गंगे नमामि गंगे। हिमालय की भीष्म जननी धरा पे आई है पाप हरनी,
सुता हिमालय की भीष्म जननी धरा पे आई है पाप हरनी जनों की जंघा विदीर्ण करती पहला भंगे नमामि गंगे जनों की जंघा विदीर्ण करती अभंगे नमामि गंगे चली गगन से करणी तरंगे नमामि गंगे नमामि गंगे चली गगन से करणी तरंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे का श्रवण।